10 दिसंबर को गणी आरिका श्री विज्ञाश्री माताजी ससंग के सानिध्य में होगा 108 फीट उतंग सहस्त्रकूट जिनालय निर्माण का भव्य शुभारंभ एवं पिच्छिका परिवर्तन समारोह का आयोजन टोंक स्थित गुंसी पंचायत भवन के पास होगा आयोजन। 8 दिसंबर को टीकमगढ़ के सिद्ध क्षेत्र फलहोड़ी बड़ा गांव में होंगी भव्य जैनेश्वरी दीक्षाएं एवं पिच्छिका परिवर्तन समारोह। श्रमण रत्न मुनि श्री विश्रांत सागर जी महाराज ससंग के सानिध्य में होगा भव्य आयोजन। उत्तर प्रदेश की धर्मनगरी खेकड़ा स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ धरणेन्द्र पद्मावती धाम में 3 दिसंबर से होगा पंच कल्याणक महोत्सव का आयोजन। 8 दिसंबर को आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज ससंग के मंगल सानिध्य एवं गणी आरिका श्री ससंग के निर्देशन में संपन्न होगा पंच कल्याणक। 7 जनवरी को दिल्ली के धर्मपुरा स्थित अतिशय क्षेत्र श्री लाल मंदिर जी में भगवान पार्श्वनाथ के 29वें जन्म कल्याणक के पावन अवसर पर पार्श्व प्रभु का किया जाएगा 1008 कलशों द्वारा मस्तकाभिषेक। आचार्य श्री अतिवीर जी मुनिराज ससंग एवं गणी आरिका श्री चंद्रमती माता जी ससंग का मिलेगा सानिध्य। मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज ससंग के सानिध्य में मध्य प्रदेश आगर मालवा स्थित अतिशय क्षेत्र पिपलोन कला के महावीर दिगंबर जैन मंदिर में 27 से 29 नवंबर तक होगा वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव एवं जिनविम स्थापना का आयोजन। महाराष्ट्र के औरंगाबाद स्थित अतिशय क्षेत्र पैठड़ के श्री मुनि सुब्रतनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 3 दिसंबर से होगा पंच कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ। आचार्य श्री गुणभद्र नंदी जी महाराज ससंग के सानिध्य में 7 दिसंबर को संपन्न होगा पंच कल्याणक। मध्य प्रदेश ओबेदुल्लागंज में 27 नवंबर से होगी पंच कल्याणक महोत्सव की शुरुआत। मुनिश्री संस्कार सागर जी महाराज ससंग के सानिध्य में 2 दिसंबर को होगा विधिवत समापन। सर्वांग भूषण आचार्य श्री चैत्य सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के जलेसर स्थित वात्सल्य आरोग्य धाम ग्राम कोसमा में 29 नवंबर को होगा वात्सल्य निलय का भूमि पूजन कार्यक्रम। 25 जनवरी से नोएडा के सेक्टर 27 स्थित श्री दिगंबर जैन बड़ा मंदिर में होगा पंच कल्याणक का शुभारंभ। आचार्य श्री अनेकांत सागर जी मुनिराज ससंग के सानिध्य में 31 जनवरी को होगा विधिवत समापन।